सदन में सुनाई देगी ओबीसी आरक्षण की गूंज, चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव देगी कांग्रेस, हंगामा होने के आसार। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सीडीएस बिपिन रावत, ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार और अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले नवनिर्वाचित 3 विधायक शिशुपाल यादव, पृथ्वीपुर सुलोचना रावत, जोबट और एंगाव से विधायक कल्पना वर्मा को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम ने सदस्यता की शपथ दिलाई। विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की कथनी और करनी सामने आ गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को स्थगन प्रस्ताव नहीं माफी प्रस्ताव लाना चाहिए। आज जो आरक्षण को लेकर स्थिति बनी है वह कांग्रेस की वजह से ही है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर पिछले 3 दिन से कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई थी, ना कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। अब विधानसभा में इसको लेकर दोनों दलों का आमना सामना होगा। एक दिन पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, इसमें राजनैतिक प्रस्ताव पारित हुआ कि ओबीसी आरक्षण के मामले में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया था कि 5 दिन चलने वाले इस सत्र दौरान प्रदेश में खाद की कमी, गांव में अघोषित बिजली कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगारों के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री तरुण भनोत का कहना है कि सरकार ना तो किसानों को खाद दे पा रही है और ना ही बिजली। गांव में अघोषित बिजली की कटौती हो रही है, खाद लेने के लिए किसान दुकानों के बाहर लाइन लगाकर बैठे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, सरकार दावा कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है। इसका जवाब सदन में लिया जाएगा। वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की बैठक रविवार शाम सीएम हाउस में बुलाई गई। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वरिष्ठ मंत्री पार्टी विधायकों को टिप्स दिए कि विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की बैठक में सदस्यों को परिवार समेत आने का न्योता दिया था। विधायक दल की बैठक के बाद डिनर आयोजित किया गया। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।